विश्वस्त अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से ऐसा बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में कोई समस्या ही नहीं है, जिसके कारण किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी सवाल बैठक में नहीं उठाए गए। तीरथ सिंह रावत के बयान का सोशल मीडिया में लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया में लोग तरह तरह के कमेंट उनके इस बयान पर दे रहे हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने यह तक कह डाला कि पौड़ी के जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और उन्हें केवल और केवल अपने विकास से मतलब है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। पौड़ी की मैं एक भी समस्या नहीं सुन पाता हूं, जबकि यहां सारे जनप्रतिनिधि यहां बैठते हैं, चाहे मैं विधायक की बात करूं, चाहे आपके जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मगर पौड़ी की एक भी समस्या यहां उजागर नहीं हो पाती। हम लोग किस तरह देखेंगे इसे? पौड़ी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान। पौड़ी की मैं